बिल पास कर दिया, वही तो बात है कि कर दिया, और वो कब महिलाओं के आंचल में आके गिरेगा ये हमें तो नहीं मालूम, ना ही मोदी जी खुद ही बता पाएंगे। और अगर महिला रिजर्वेशन ये दे के करेंगे भी क्या, ये स्मृति ईरानी से कोई बोल पाती है? किसने इनका गला दबा दिया, किसने इनकी जबान पे ताले लगा दिए हैं? तो सब कुछ तो फिर विपक्ष ताकतवर हुआ ना, मोदी जी का 56 इंच कहाँ गया, यानी वो तो पुस। औरतों का तो सिर्फ हमारी महिलाओं का जो है एक स्ट्रगल कि उन्होंने बेटी बचाओ कहा तो उसके बाद से बेटियां गायब होने लग गई, तो आज उन्होंने बिल पारित हुआ, आगे क्या होने वाला है वो भगवान जाने, वो भी देखना पड़ेगा कि कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया ने मिलकर एक चाय वाले को, एक गुजरात के जो दंगों के में जिसका नाम इतना ज्यादा उछल कर आया, वो आज प्रधानमंत्री बना हुआ। मोदी जी का सीधी सी बात है ये, वो कभी भी जनहित की बात, देशवासियों के भले की बात करते ही नहीं है। स्वयं प्रभु बोलते हैं ना, ये वो वाला है। किसने घोषित किया, कहाँ है विश्व गुरु, मुझे तो नहीं नजर आया। तो सबका विकास कहाँ हुआ, विकास तो खाली अपना करते चले जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो जो कहते हैं कथनी और करनी में उनके बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क होता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ईश्वर त्रिजवी, जो तमाम महिलाओं के हक अधिकार की बात करती हैं। क्या कहेंगे, अब तो बिल पास हो गया पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, या फिर ये कहा जाए कि और बिल को 15-20 साल तक ना लागू होने के लिए लॉक कर दिया गया है। अच्छा जी, आप कुछ सबको मालूम ही है कि जैसा कि कहा गया है कि पहले जनगणना होगी, पॉपुलेशन सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, और जिस पर कि कोर्ट की तरफ से 2026 तक के लिए रोक लगी हुई, तो ये सब जब होगा और फिर उसके बाद जाके, और इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पॉपुलेशन सेंसस होने में। चीज़ है, महिलाएं तो महिलाएं हैं ना, फिर जनगणना के बाद क्यों लागू करने, क्या चक्कर है? एग्जैक्टली यही तो बात हो रही है कि ये क्यों, ये मतलब यही तो है। देखिए मोदी जी का सीधी सी बात है ये, वो कभी भी जनहित की बात, देशवासियों के भले की बात करते ही नहीं है। वो सबको सिर्फ फिरकी लेना, जैसे कहते ना वो पिक्चर आई थी जो क्या थी, महिलाओं के साथ फिरकी ले रहे, फिरकी महिलाओं के साथ पूरे देश के हर भारतीय के साथ फिरकी ले रहे हैं। वो हिंदू के साथ भी फिरकी ले रहे हैं, वो मुसलमान के साथ भी फिरकी ले रहे हैं, वो दलित के साथ भी फिरकी ले रहे हैं, और वो ब्राह्मण के साथ भी फिरकी ले रहे हैं। मज़े की बात ये है कि जब वो फिरकी मुसलमान के साथ ले रहे तो हिंदू हंस रहा होता है, फिर वो जब दलित के साथ ले रहे होते हैं तो ब्राह्मण हंस रहा होता है, थोड़ी देर के बाद फिर वो पता चलता है कि वो ब्राह्मण की भी फिरकी ले रहे हैं, और वो बस सब एक दूसरे का तमाशा एक एक करके देख रहे हैं। कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं। जब विकास कर रहे हैं, और 10 दिन से अभी आपको पता है कि कल 1 अक्टूबर है और इसको स्वच्छता दिवस, पहले 2 अक्टूबर को मनाते थे, इस बार 1 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि एक प्रधानमंत्री को स्वच्छांजलि अर्पित कर रहे हैं। हाँ नहीं, वही मैं बता रही हूँ, एक ऐसी पार्टी जो पूरे पूर्ण बहुमत से डबल इंजन की यूपी और दिल्ली और पूरे भारत में सरकार चला रही है, 9 साल हो गए, मतलब यूपी कहिए चाहे, और आप सफाई मुझे कहीं दिखा दीजिए, सफाई आप मुझे किसी जगह किसी एक शहर, क्यों आज भी प्रधानमंत्री को सड़क पर उतरना पड़ रहा है? ये अपने आप में उनकी फेलियर नहीं है तो क्या है? आप लोग कह रही मतलब है कि 9 साल में आप सफाई नहीं कर पाए, आप लोगों के अंदर ये जागरूकता पैदा नहीं कर पाए। बात ये है कि सफाई तो सब लोग अपने घर में रखते हैं, मैंने देखा छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में इस कदर की सफाई और साफ सुथरे घर होते हैं, उनके चमक रहे होते हैं, इतने अच्छे से वो अपने घरों को सजा के संभाल के रखते हैं, बाहर सफाई नहीं हो रही। अगर हम भाई घर से कूड़ा निकला और अगर कूड़ा उठ नहीं रहा है, अगर कूड़े को ढोकर कूड़े सही जगह पे डंप नहीं किया जा रहा है, तो प्रॉब्लम ये है। और वो जो है वो सरकार का, एमसीडी का, नगर निगम का जिम्मेदारी होती है, तो वो कौन नहीं कर रहा है उनको पकड़िए। ये हमको क्यों सड़क पे लेके आ रहे हैं, हम तो अपना घर साफ सुथरा रख रहे हैं और बाहर कूड़ा भी नहीं डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। सारा काम तो केजरीवाल पे चला जाएगा, केजरीवाल की सरकार पे, क्या यही एमसीडी वाली जो बातें बता रहे हैं दिल्ली में है ना, मैं तो कह रही हूँ आप कहीं दिल्ली में आए हैं केजरीवाल। देखिए मैं किसी की भी तारीफ नहीं करती, जो काम करेगा बस, और जब तक अच्छा है तब तक उसको अच्छा कहना चाहिए। ये हमें भारतीय भारत की जनता को सीखने की ज़रूरत है कि वो किसी पार्टी किसी जनता के पीछे ना भागें, मतलब किसी नेता के पीछे किसी एक चेहरे के, जब तक वो अच्छा कर रहा है आप उसकी तारीफ कीजिए, जिस दिन वो भटक जाए उसी दिन पकड़ के उसी के कार्यकर्ताओं को उसी के पार्टी के नेताओं को
उसकी टांग खींच लेनी चाहिए ताकि वो सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाए। तो आम आदमी पार्टी को भी मैं कहूँगी कि ये इन्होंने जो है अब MCD में आ गए, लेकिन जितनी तेज़ी से, जितने अच्छे से, और उन जगहों पे क्या है, मैंने देखा है कई बार फेसबुक वगैरह पे आता है कि साउथ एक्स के जो MCD के पार्षद वगैरह जो जीते हैं वो तो दिखाते हैं कि देखो मैंने सड़क बनवा दी, मैंने कूड़ा उठवा दिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन आप चले जाइए ओखला आज भी, आप चले जाइए वो ये मुस्तफ़ाबाद और ये जितने भी पुरा शहीद, मतलब ये जितने मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज स्पेशली, वहाँ मैं कहती हूँ वहाँ के पार्षद कौन हैं? अगर मुसलमान हैं या हिंदू हैं, क्या उनको काम करने नहीं दिया जाता उन, या वो खुद चुन के आने के बाद भी नहीं करते? मैं मुसलमान हूँ और वो मुसलमान अगर पार्षद है और वो ओखला का होने के बाद नहीं काम कर रहे हैं, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ बिल्कुल, तो सबका विकास कहाँ हुआ? विकास तो खाली अपना करते चले जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो जो कहते हैं कथनी और करनी में उनके बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क होता है, उनकी जबान पर जो यकीन करे। ये देखिए ये महिला बिल क्यों अचानक से, मतलब ऐसी ताबड़तोड़ उन्होंने ये संसद बुलाई और फिर फौरन ये बिल के हितैषी है ना, हाँ महिलाओं के हितैषी, इसीलिए अगले 15-20 साल तक के लिए ब्लॉक कर दिया कि कोई अब ये महिला बिल पर बात ही ना करे 20 साल तक। और ये लॉलीपॉप क्यों दिया? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी ज़्यादातर जनता जो है वो भोली भाली है, भक्त है, उसको व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी के थ्रू चलाया जाता है, तो उसमें जब ये बात चली गई कि बिल पेश हो गया तो अब सब तालियां पीट रहे हैं उन्हें बेचारों को। ये डिलिमिटेशन, पॉपुलेशन सेंसस, ये रुकावट है, वो रुकावट है, ऐसे है वैसे है, ये तो पता ही नहीं। अगर करना होता तो वो 2024 अभी कहते, आज डिक्लेयर करते, क्या नाम है, नोटबंदी तो उन्होंने 1 घंटे में कर दी, लॉकडाउन 1 घंटे में कर देते हैं, फ़ौरन जाते हैं, फिर दुनिया मरे या आर पार का गेम खेलते हैं। तो जब जनता की भलाई के लिए, अगर महिलाओं की, महिला और अगर महिला रिजर्वेशन ये दे के करेंगे भी क्या? ये स्मृति ईरानी से कोई बोल पाती हैं? किसने इनका गला दबा दिया? किसने इनकी जबान पे ताले लगा दिए हैं? विपक्ष बोलने नहीं देता ना उनको। हाँ हाँ बिल्कुल, तो सब कुछ तो फिर विपक्ष ताकतवर हुआ ना, मोदी जी का 56 इंच कहाँ गया? यानी वो तो पुस हवा निकल गई उसकी। क्या कहेंगे आप, काम हुआ नहीं हुआ कि नहीं हुआ है 9 साल में? देखिए काम अगर हुआ होता तो मुझे नहीं लगता है कि जनता में इतना आक्रोश होता। जनता खुश होती ना, हैप्पी होती, वो तो चाहती है, आपको आपको बोलने की जरूरत नहीं था। हमारे सरकार की आलोचनाएं तो होती रहती है, ये तो आम बात है। नहीं नहीं वो तो सच बोल रहा है, लेकिन अभी नहीं लग रहा है कि आज आलोचनाओं का स्तर थोड़ा सा ऊँचा है? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ऊंचा है। आप एक आम व्यक्ति के पास जाके देखिए, जिनको मोदी जी कहते हैं जब आलोचनाएं ज्यादा होने लग जाएगी समझ लीजिए आप ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं नहीं देखिए इसी तरह से मैं बोल रही हूँ ना, जैसा एक होता है कि इंतजार का फल मीठा होता है, लोग बोलते हैं, लेकिन ज्यादा दिन पड़ा रहे तो सड़ भी जाता है, तो ऐसे फल का हम क्या करेंगे? अगर आलोचना हो रही है थोड़ी बहुत तो समझ में आता है, लेकिन चारों तरफ आलोचना, किसी व्यक्ति को कोई एक आदमी चोर बोले, दो बोले, चार बोले, समझ में आता है, लेकिन अगर 50 उंगलियां, 1000 उंगलियां उठे तो सवाल तो बनता है। वो तो विश्व गुरु हैं, भारत के हित में काम करते हैं, भारत की तमाम जो है, भारत को विश्व गुरु बना दिया और डंका बज रहा है देश का विदेशों में। किसने बनाया? वो सेल्फ घोषित हैं, स्वयं प्रभु बोलते हैं ना, ये वो वाला है। किसने घोषित किया? कहाँ है विश्व गुरु? मुझे तो नहीं नजर आया। अब मैं अपने आप को विश्व में लोग कह रहे हैं कि हम मोदी के फैन हैं, मोदी जैसा कोई नेता नहीं। वो भी कहीं ना कहीं स्पॉन्सर उन्हीं के होते हैं। अब क्या बोले, मोदी जी के स्पॉन्सर होते हैं। सब जग जाहिर है आजकल, क्या नहीं होता, हर जगह आप जाके देखेंगे, बाद में होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है, ऐसा ऐसा हो गया वहाँ पे, फला आदमी ने गलत किया, पता चलता है वो किसी और पार्टी से बिलोंग करता है। तो ये चीज़ें सच्चाई चल रही है, सारी चीज़ें वेल प्लान्ड होता है। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये ट्रेंड में है किसी भी, क्योंकि आप सभी जो है महिलाओं के हक अधिकार की बात करती हैं, महिलाओं उत्थान की बात करती हैं, तो बिल तो पास कर दिया उन्होंने, बिल पास कर दिया, वही तो बात है कि कर दिया, और वो कब महिलाओं के आंचल में आके गिरेगा ये हमें तो नहीं मालूम, ना ही मोदी जी खुद ही बता पाएंगे। उन्होंने दिया, कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, लेकिन वैसे ही जैसे रातों रात नोटबंदी की थी वैसे ही रातों रात इसे भी लागू कर देते तो मज़ा आ जाता, फिर तो महिलाएं झूम उठती।
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जैसा उनका वो सिस्टम आ रहा है बीच में जनगणना वाला, वो कहीं से तुक नहीं देता है। हो सकता है कुछ और अच्छा सोच लिया होगा ना, पता नहीं महिलाएं बर्दाश्त कर पाएंगी। वो तो जो भी करते हैं देश हित में ही करते हैं। नहीं, आज तक तो उन्होंने जो भी काम किया है देश हित में ही किया है, और ये बात सच है कि लोगों का भी मानना है कि देश हित में किया, और क्या हित हुआ है ये तो उनका दिल ही बेहतर जानता है। अगर इतना युगों युगों में ऐसे लोग युगों युगों में एक बार आते हैं, युग पुरुष कहे जाते हैं। ये बात सही कहा आपने, आज तक तो ऐसे प्रधानमंत्री हुए नहीं और न आने वाले समय में होंगे। तो मैं तो चाहूंगी कि भगवान करे ऐसे प्रधानमंत्री हमेशा आए और लोगों को मिलते रहे, ताकि लोगों को तो होश दिला दिया इन्होंने, लोग अपनी जातियों को पहचानने लगे, अपने सेक्स को पहचानने लगे, अपने ड्रेसों को पहचानने लगे, अपने घर में पकने वाले खानों को पहचानने लगे, रंगों को पहचानने लगे। सोचिए इतनी पहचान जो दिलाए, तो मैं समझती हूँ ऐसे इंसान को बार बार आना चाहिए, और हम चाहेंगे कि बिल्कुल वो जो कर रहे हैं उनको और हमारी दुआएँ हैं। लेकिन हम औरतों का तो सिर्फ हमारी महिलाओं का जो है एक स्ट्रगल कि उन्होंने बेटी बचाओ कहा तो उसके बाद से बेटियाँ गायब होने लग गई, तो आज उन्होंने बिल पारित हुआ, अब आगे क्या होने वाला है भगवान जाने, वो भी देखना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप, कुछ कहना चाह रही थी युग पुरुष के ऊपर? युग पुरुष बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो अपने आप के लिए तो युग पुरुष हैं, जैसा कि वो कहते हैं। हालांकि किसी ने आज तक बताया नहीं वो कौन सा स्टेशन था जहां वो चाय बेचते थे, वो कौन से लोग थे जिनको चाय पिलाई, कोई आज तक ना उनका क्लासमेट मिला है। तो रो के कहानी सुनिए, रो रो के कहानी बताते हैं, रो पड़ते हैं मोदी जी, कहते हैं कि मेरी माता जी जो है बर्तन धोकर हमें पाला है, मैं स्टेशन पे चाय बेचता था। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे आदमी जब प्रधानमंत्री बन जाए, दो बार प्रधानमंत्री बन जाए, पूरा विश्व जो है हैरान परेशान है कि भारत की जनता को आखिर हुआ क्या है कि यहाँ जहाँ पे IITs की भरमार है, जो पूरे देश में नासा और सब जगह पे चला रहे हैं, क्या नाम है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं यहाँ से जो देती है, वो लोगों उन लोगों को एक चाय वाला प्रधानमंत्री के लिए मिला, वो भी हैरान है, जिसके ऊपर गुजरात के दंगों का एलिगेशन है। देशभक्त, देशभक्त जो राष्ट्रहित में काम करता हो, सबसे बड़ा देशभक्त। देशभक्त तो अब देशभक्त पे क्या कहा जाए, उनकी भक्ति कि जो लोग भागे जा रहे हैं, जिस तरह चीन ने सारा कब्जा कर लिया है उस पर छुपे हैं, मणिपुर जल रहा है, देशभक्ति किसको कहते हैं, ये उनकी वही जाने कि उनकी डेफिनेशन क्या है देशभक्ति की। बाकी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने काफ़ी कमाल किया है, सारी दुनिया हैरान है कि कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया ने मिलकर एक चाय वाले को, एक गुजरात के जो दंगों के में जिसका नाम इतना ज़्यादा उछल कर आया, वो आज प्रधानमंत्री बना और बार बार जीत रहा है और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये कौन सा करिश्मा है, कौन सा युग पुरुष है, ये तो पूरी दुनिया परेशान है समझने के लिए। तो शहर में जब सबसे ज्यादा बात महिलाओं की हो रही हो, तो महिलाओं का ओपिनियन जाना बेहद जरूरी होता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज।